साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों, आज मैं जो आपको रेमेडी बता रहा हूँ, 1000% आपकी जो भी मनी चैलेंजेस हैं, या कर्ज बहुत ज्यादा है, या पैसा आ नहीं रहा है, टिक नहीं रहा है, बहुत ही पावरफुल उपाय है आज का। अगर मेरी बताए तरीके से अगर इस रेमेडी को आप करते हैं, आप देखेंगे दोस्तों, ज्यादा नहीं 11 से 21 दिन में आपको इसका रिजल्ट साफ साफ दिखाई देखने को मिलेगा। कोई भी उपाय करते हैं तो उसमें विश्वास जरूर रखें, श्रद्धा जरूर रखें, ठीक है, तभी कोई रेमेडीज करें। और आज का जो उपाय है दोस्तों, ये वनस्पति शास्त्र का है। देखिए, समुद्र शास्त्र में, अंग शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में और वनस्पति शास्त्र में धन प्राप्ति के बहुत सारे उपाय दिए गए हैं। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो किसी के साथ मैच हो जाते हैं, किसी के साथ नहीं होते हैं, लेकिन ये उपाय जो है ये 100% वर्क करता है। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने ये प्रयोग दिए हैं और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो मैंने सोचा कि अगर और लोगों को मिल रहा है तो आप लोगों को भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जो भी आपकी समस्या है, धन से संबंधित है, पैसा रुक नहीं रहा है, या बेरोजगारी है, व्यापार नहीं चल रहा है, किसी भी प्रकार की समस्या होगी, घर में ग्रह कलेश ज्यादा है, तो मतलब तमाम प्रकार की तकलीफों को दूर करने के लिए छोटा सा प्रयोग बहुत ही सिद्ध और कारगर है। दोस्तों देखिए, तुलसी जो होती है आप सभी जानते हैं कि बहुत ज्यादा पूजनीय है। तुलसी काफी रंगों में आती है, ठीक है, एक श्यामा तुलसी कही जाती है ना। तो ये प्रयोग जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको श्यामा तुलसी से करना है। श्यामा तुलसी मतलब इसका रंग जो होता है ये पर्पल कलर का होता है। इसके आप देखेंगे शाखाएं, पत्ते, इसके पुष्प जो निकलते हैं, तुलसी दल निकलता है, ये सारे क्या होते हैं, बैंगन जैसा होता है, बैंगनी कलर का, है ना। तो आपको इसी तुलसी का प्रयोग आपको करना है। और इस प्रयोग से दोस्तों आप देखेंगे कि आपको 7 दिन में ही इसका जबरदस्त तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय के कुछ खास एंजल्स नंबर्स, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूं। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। मैं कोई भी जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा वो आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और यदि आप लोग दोस्तों मुझे कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं, अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, घर में यदि ग्रह कलेश ज्यादा है, किसी प्रकार की बंदिश है, वास्तु अनबैलेंस है, या पति पत्नी में अनबन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कैरियर में दिक्कत आ रही है, स्टडी में दिक्कत आ रही है, शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, या किसी भी प्रकार की समस्या का सटीक समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप में जाकर के चार्ज पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, यूट्यूब की जितनी भी रेमेडीज होती हैं जनरल होती हैं, किसी के साथ मैच हो जाती हैं, किसी के साथ नहीं होती हैं। और यदि बर्थ चार्ट में कोई ऐसा प्लैनेट होता है जो अनबैलेंस होता है, या घर में किसी प्रकार की बंदिश होती है, या घर का वास्तु अनबैलेंस होता है, आप कितनी भी रेमेडीज करेंगे, उपाय करेंगे, वो रिजल्ट नहीं देते, बैड एनर्जी उन्हें क्या है कि सक्सेस नहीं होने देती है। तो एक बार अपना बर्थ चार्ट जरूर चेक करा लें और अपने घर का वास्तु चेक करा लें, उसके बाद में कोई भी आप उपाय करेंगे तो उसका 100% रिजल्ट आता है। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इस प्रयोग को आपको करना है चतुर्दशी के दिन, यानी कि पूर्णिमा से एक दिन पहले, शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी के दिन, पूर्णिमा जब पड़ेगी तो उसके एक दिन पहले चतुर्दशी के दिन प्रयोग करेंगे। तो कोई भी जीवित वनस्पति जब होती है और उसका प्रयोग करते हैं तो पहले उनको आमंत्रण दिया जाता है। तो आपको करना क्या है, अगर आपके घर में तुलसी है तो घर में कर सकते हैं, नहीं तो किसी मंदिर में अगर तुलसी लगी हुई है, श्यामा तुलसी लगी हुई है, वहां पर करेंगे तो और भी बेस्ट है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक दिन पहले यानी कि चतुर्दशी के दिन आपको करना है, तो त्रयोदशी के दिन, प्रदोष के दिन, आप हल्दी चावल, ठीक है, पीले कर लें हल्दी चावल को, एक दिया और थोड़ा सा जल और एक कुछ मीठा भोग में डाल दें, और धूप, इन सब चीजों को लेकर के तुलसी माता के पास में जाएं, तुलसी माता को प्रणाम करें, उनको दिया जलाएं, जल चढ़ाएं, भोग चढ़ाएं, अगरबत्ती धूप करें, उनके बाद उसके बाद में उनसे प्रार्थना करें।
कि मैं अपने अमुक कार्य हेतु, अपनी धन संबंधित परेशानी को दूर करने हेतु, कर्ज से मुक्ति हेतु, अपने जिंदगी में धन को प्रवाह, धन के प्रवाह को बढ़ाने हेतु आपके पास में आपको निमंत्रण देने आया हूँ। तो आप अपनी पूर्ण कृपा, पूर्ण ऊर्जा के साथ में मेरे घर चलिए, मेरे घर में धन धान की बरकत करिए, ऐसा बोल करके और आपको वापस आ जाना है। अब दूसरे दिन आपको क्या करना है, कोई आपको 5 साल से लेकर के 15 साल तक की कुंवारी कन्या, ठीक है, जो अपने माता पिता की पहली संतान हो, जो कन्या अपने माता पिता की पहली संतान हो और 5 से 15 साल की हो, इस कन्या को लेकर के पहले आप उसको घर बुलाइए, हल्दी माहौर वगैरह, हल्दी से उनके पैरों में तिलक करिए और जो भी माहौर वगैरह होता है पैर में उनको लगाइए, कुछ दक्षिणा दे दीजिए, उनकी पूजा करिए। आप ये समझिए कि साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है और उस कन्या को लेकर के आपको तुलसी माता के पास में जाना है जहां पर आपने उनको आमंत्रण दिया है, और वहां पर जाने के बाद में तुलसी माता को फिर से आपको प्रणाम करना है, उनसे विनती करना है कि आप साक्षात माता लक्ष्मी के स्वरूप, ठीक है, उनके पास आपको आपको घर लाने के लिए आमंत्रण देने के लिए आए थे, तो आपको लेने आए हैं, तो माता लक्ष्मी के साथ आप हमारे घर चलिए और आप अपने 5 पत्ते मुझे प्रदान करिए, ऐसा बोल करके उस कन्या से आपको बिल्कुल आराम से, मतलब एक इज्जत के साथ में 5 पत्ते आपको क्या करना है, तुलसी के तोड़वा लेना है। 5 पत्ते कन्या तोड़ करके देगी, आप एक लाल कपड़ा हाथ में रखें, एक एक पत्ते को लाल कपड़े में रखते जाएं, इसको फोल्ड करके घर ले आए। अब कन्या को आपको क्या करना है, कुछ दक्षिणा दे करके उसको खुश कर देना है, कन्या प्रसन्न होना चाहिए, ठीक है, जो भी यथाशक्ति उनको दान वगैरह, कुछ मिठाई वगैरह और कुछ दक्षिणा वगैरह दे करके कन्या को विदा कर दीजिए। अब इन पत्तों को ला करके आपको अपने घर के पूजा स्थान में बैठना है, ठीक है, सामने पटरा लगाना है, घी का दिया जलाना है, गुलाब की अगरबत्ती लगानी है, उसके बाद में थोड़ी सी आपको शहद लेनी है और जो 5 पत्ते आपने लिए हुए हैं सामने लाल कपड़ा रखेंगे और सीरीज वाइज लाइन से 5 पत्तों को आपको जमा देना है, ठीक है, और दोनों तरफ आपको शहद लगा देनी है। शहद लगाने के बाद में उसके ऊपर जो अबीर होता है हनुमान जी को चढ़ने वाला सिंदूर या कुमकुम, ये आपको दोनों तरफ डिप कर देना है। शहद में जब आप कुमकुम वगैरह डालेंगे तो दोनों तरफ क्या होंगे, वो दोनों कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब कवर करने के बाद में 5 पत्तों को आपको ऐसे फोल्ड करना है कि वो पत्ते मतलब उसी जगह रखे रहें, कपड़े को फोल्ड कर देंगे, 2 बार कर देंगे, 3 बार कर देंगे, पत्ते लाइन से जमे रहे और आपको उनको फोल्ड कर देना है। अब एक लाल धागे से इसको आपको बांध देना है और बांधने के बाद में यहां पर आपको ओम वृंदाय नमः, ओम वृंदाय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करना है और ओम क्लीम कृष्णाय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। अगरबत्ती वगैरह दिया वगैरह घुमा करके, ठीक है, अब इसको उठा करके आप अपने धन स्थान में रख दीजिए या पूजा स्थान में रखे रहने दीजिए, व्यापार गलत जहां पर भी रखना चाहें। दोस्तों ये रखने के बाद में आप देखेंगे कि आपके धन के हजारों मार्ग खुलना शुरू हो जाएंगे, जहां से भी पैसा आपका रुका हुआ है या कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, धन प्राप्ति के अचानक अचानक से आपकी लाइफ में योग बनेंगे। बस जिस विधि से मैं बता रहा हूं इस विधि से आप करके देखिए, रातों रात नहीं आने वाले समय में करोड़पति जरूर बन जाएंगे अगर इस प्रयोग को सही विधि से कर लेते हैं। कन्या का ध्यान देना है, अपने माँ बाप की पहली संतान हो और 5 से 15 साल की हो। त्रयोदशी के दिन में आपको क्या करना है, माता तुलसी को आमंत्रण देना है। चतुर्दशी के दिन में कन्या को ले जाकर के 5 पत्ते तोड़ करके लाने हैं, ठीक है, और घर में आपको क्या करना है, शहद में पहले डिप करेंगे, फिर उसके बाद में अबीर लगा देंगे, ठीक है, और फिर बाद में फोल्ड करके पत्ते जमे रहेंगे, पत्ते एक के ऊपर एक नहीं आने चाहिए, लाइन से पत्ते जमे रहे, ठीक है, और उसको हाथ में रख करके ओम वृंदाय नमः 108 बार, ओम क्लीम कृष्णाय नमः 108 बार, मतलब ये दोनों मंत्र का जाप करके और आपको अपने पूजा स्थान में धन स्थान में रख दें, रोज इसकी धूपबत्ती करें, रोज माता रानी से प्रार्थना करें, आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी स्वतः आपके घर में वास करेंगी, धन की वर्षा करेंगी और ये दोस्तों आपके घर की तमाम प्रकार की नेगेटिविटी को रिमूव करेगा। घर में किसी प्रकार की कोई बंदिश है या फिर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ग्रह कलेश रहता है, परेशानी बहुत ज्यादा है, कोई काम बनता नहीं है, सभी कार्य में आपको सफलता मिलना शुरू होगी। जरूरत होती है थोड़े से आपको विश्वास की, ठीक है, अगर जितना विश्वास के साथ में इस रेमेडी को करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तुलसी दोस्तों, ये तुलसी का वनस्पति शास्त्र का बहुत ही ज्यादा जबरदस्त प्रयोग मैं आपको दे रहा हूं, आप एक बार इसको करके देखिए। मेरा काम होता है आप लोगों तक खास जानकारी को पहुंचाना, अब सही विधि से विश्वास के साथ में करना या ना करना ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। पूरे विश्वास के साथ में करेंगे 100% गारंटी लेता हूं कि आपकी मनी चैलेंजेस पूरी लाइफ से रिमूव हो जाएंगे, कभी भी आप ये फेस नहीं करेंगे कि पैसों से रिलेटेड कोई परेशानी आपको आ रही है। कोई बात समझ में ना आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, बाकी वीडियो को एक बार देख लें, 2 बार देख लें, जानकारी को अच्छे से समझ लें, उसके बाद में रेमेडी को करिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं।
जानकारी काफी अच्छी थी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री गांधी ये जरूर लिखें, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। और जितना हो सके दोस्तों जानकारी को शेयर करिए, आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का बेनिफिट ले सकते हैं, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, सभी जगह शेयर करें, घर बैठे अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है, है ना। और आप लोग अच्छे, मेरे पास में जानकारी मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ, आप लोग जितने आगे इस जानकारी को शेयर करेंगे, आपकी दी हुई इस जानकारी से जितने लोग इस रेमेडी को करेंगे, कहीं ना कहीं बिना कुछ किए आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, पुण्य लाभ मिलेगा, तो शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली, आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।